सभी किसान साथियों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आज मैं परवल के एक फार्म हाउस पे आया हूँ जो कि फसल जो है काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी बेहतरीन है। किसान भाइयों, आज हम इस परवल के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे और परवल के ऑनर जो हैं, जो खेत के ऑनर हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इस खेत में ये क्या प्रयोग करते हैं कि परवल का पौधा जो है, इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी ज़बरदस्त है, किन किन खादों का प्रयोग करते हैं, हम इसके बारे में इनसे संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो किसान भाइयों, हम वीडियो को शुरू करें इससे पहले जो चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ बेल के आइकन को दबा लें। और किसान भाइयों, जिस भी खेती से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार सर, सामने से जो हमारे व्यूअर्स आपको और हमको देखेंगे उनको एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम राज प्रकाश उपाध्याय है। मैं अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के हरनटीनगंज ब्लॉक के मोहनवा गांव का निवासी हूं। जी, जैसे मैं बात कर लेता हूं, ये आप परवल की खेती करते हैं। हाँ। तो परवल की खेती के बारे में थोड़ा सा पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए। जैसे मैंने आपसे बात की कि आप परवल की खेती करते हैं और उसमें ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करते हैं, तो आप बाहर थे और इसी के सिलसिले में आप आए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा पहले परवल के बारे में बताइए आप अपने। जहाँ तक बात रही, मेरा आज मीटिंग था परवल के प्लांट से संबंधित, इधर देवरिया गोरखपुर के कुछ किसान आए थे। जी, तो मैं वहाँ गया था तो हमारे राहुल भैया ने मुझे फ़ोन किया कि आइए और अपनी खाद के बारे में, जो आप खाद डालते हैं उसके बारे में बताइए, क्योंकि परवल जो है ऑर्गेनिक विधि से अगर किया जाए तो इसमें कोई रोग नहीं लगता है, और दूसरी बात यह है कि इसके फल अच्छे आते हैं। तो जो मैं खाद यूज करता हूँ वो ऑर्गेनिक खाद का ही यूज करता हूँ। जी, जैसे हम बात करेंगे जो आप खाद यूज करते हैं उसका थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को नाम बताइए, वो खाद कौन सी है, उसके जो तत्व हैं। जैसे लोग यूरिया डालते हैं, पोटाश डालते हैं, डाई डालते हैं, पता नहीं कौन कौन से तमाम तरीके के केमिकल को यूज करते हैं, जो आप खाद यूज करते हैं वो उसका थोड़ा सा नाम बताइए और उसके बाद में उसके जो तत्व होते हैं उसमें वो बताइए थोड़ा हमारे किसान भाइयों को। जो हम खाद यूज करते हैं वो टोटल ऑर्गेनिक है, जिसका नाम है न्यू लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। जी, जो कि ये सामने हमारे रखी हुई है और हम इसको डालते रहे हैं, ये लिखा हुआ भी है न्यू लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। जी, तो इसको हम डालते हैं और एक्चुअली क्या है कि वहाँ कंपनी से मैंने मंगवाया था तो एक पैकेट मेरे पास बचा हुआ था, तो इन्होंने कहा कि भैया आके जो है इसका थोड़ा हमें वीडियो बनवा दीजिए। जी, तो हमने कहा ठीक है, आ जाइए। अच्छा, जैसे ये खाद आप डालते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है जो खाद है, जैसे हमारे यहाँ पशु का चारा वगैरह होता है उसी तरीके की सेम ये खाद दिख रही है मुझे। हाँ, जैसे चारा की तरह नहीं है, क्या नाम है इसका, जो पशुहार खिलाते हैं। जी जी जी, उसी की तरीके से है, लेकिन देखने में तो हमें लग रहा है कि किसान सोचेगा कि ये मिट्टी की तरह है, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे मतलब कि तत्व मिले हुए हैं। जैसे हम अगर बात करें तत्व मिले हुए, आप तत्व की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं और क्या क्या हमारे पौधे को ये लाभदायक पहुंचाता है, किस किस, जैसे फल की साइज बढ़ाना हो गया या पौधे में ग्रोथ करना हो गया, क्या क्या कर सकते हैं, जैसे पोटास, क्या क्या इसमें चीज़ें मिली हुई हैं। पोटास है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जितने भी तत्व होते हैं जी जो हमारे पौधे को चाहिए जी, उसमें विशेषकर ये कंपनी वालों ने इसको बनाया है सब डाल करके जी, और ये पौधे के फल फूल में और प्लांट ग्रोथ के रूप में और प्लांट में अच्छे फल फूल आए जी, इसके लिए ये बनाई गई है। अच्छा, इसके लिए जो है ये बनाई गई। जैसे आप यूज करते हैं अपने खेतों में, तो आपको कैसा रिस्पांस लगता है इस खाद का, ये थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए, क्योंकि आपका जो परवल है काफ़ी क्षेत्र में गया है, यहाँ से आप सेल भी किए हैं, क्या उनको भी ये सजेस्ट करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे आप? जो लोग परवल की खेती करते हैं, केले की खेती करते हैं, मिर्च की खेती करते हैं, चाहे जिस चीज़ की खेती करते हो, चाहे वो सब्जी की हो, और जैसे केला हो गया फल है, जितने भी फ्रूट हैं, तो उसमें इसको जो है डालें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा है, और जो है इसमें इसको डालने से फल फूल में वृद्धि होती है और फूल जो है मरता नहीं है और जो है कोई पौधे में रोग नहीं लगता। जी, अगर जैसे हम बात करेंगे कि पहले भी आप इसको नहीं डालते थे, जब से ये आप डाल रहे हैं, प्रोडक्शन में कोई अंतर आया है या नहीं आया है, ये थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए। लगभग जो है 30-40% प्रोडक्शन बढ़ा देता है और साइज जो है फल का वो भी अच्छा रहता है। जी, और जो हमारा कोई कस्टमर जब यूज करता है तो उसका क्या फीडबैक आता है, जैसे इसका यूज करते हैं कुछ लोग यूरिया डाई पोटास का यूज करते हैं, अगर आप इसका यूज करते हैं तो उसके बाद कस्टमर का क्या फीडबैक आता है जो यूज करते हैं परवल को खाने के रूप में? इसको इस टेस्ट में चेंज आ जाता है। अच्छा, इसको डालने के बाद में? और जो है जैसे कि जो लोग शुगर के पेशेंट हैं और भी सारे चीज़ें हैं, यूरिया खाएंगे नुकसान करेगा,
लीवर किडनी सब डैमेज हो जाएगी जी, उससे प्रॉब्लम आएगी। क्या है, धीरे धीरे जो है नुकसान तो करेगा ना, जो यूरिया और डाई पोटास खाएंगे तो जैसे कि हमारे किसान भाइयों को आप बता रहे हैं इसका यूज करना है, और हमारे कुछ नए किसान भी हैं परवल की खेती कर रहे हैं, जैसे आप खाद डालने के बाद फल वगैरह थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को दिखाइए फल की क्वालिटी क्या है। जैसे आप फल की क्वालिटी में बात कर रहे हैं तो पहली बात तो आज तोड़ाई हो गई है जी, लेकिन कहीं कहीं बच गया है। ये क्वालिटी है फल की, इधर आओ जरा, चलो चले जाओ बेटा। तो अच्छा, ये फल की क्वालिटी है, ये भी फल की क्वालिटी है और इधर अंदर भी है, मैं दिखा रहा हूँ अंदर जा करके जी। दिखाइएगा थोड़ा सा फल की क्वालिटी, जैसे ये। अच्छा, जो ये आप फल की क्वालिटी, एक एक जगह दो दो फल लगा हुआ है परवल का। अच्छा, तो जैसे पहले आप यूरिया वगैरह का प्रयोग करते थे, उसके बाद में जब इसका प्रयोग करने लगे तो इसमें जो प्रोडक्शन की मात्रा, फूल वगैरह की मात्रा जो ज्यादा आ रही है। हाँ, प्रोडक्शन देखिए, हर गांठों पे फल लगा हुआ है परवल का, हर गांठ पे लगा हुआ है फल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस पे भी लगा है, इस पे भी लगा है, इस पे भी लगा है जी जी जी। जैसे कि आप देख यहाँ पे, जैसे क्वालिटी जो आ रही है किसान भाइयों, आप देख सकते हैं, मतलब खाद का इतना ज़्यादा वो चीज़ें हैं, और जो ये खाद का यूज करते हैं, सबसे बढ़िया चीज़ है कि पौधों की जो इन्होंने गोलाई में जो पौधा लगाया एक एक जगह पे, वहीं पे आप डालते होंगे खाद को। हाँ, खाद डालते हैं, अभी मैं बता दे रहा हूँ जी कि कैसे हम डालते हैं खाद। देखिए ये हर गांठ, नहीं नहीं, जो फल की क्वालिटी है, फल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी मुझे लग रही है, और जो मात्रा जो फल की आ रही है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है किसान भाइयों, आप देख सकते हैं, प्रूफ भी है। और अभी जो ये भाई साहब हैं, इसको पूरा इसमें डाल के भी दिखाएंगे, आप वीडियो में क्लिप में ऐड करूंगा, वो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से जो है इन्होंने इसमें डालते हुए भी दिखाया। दिन में लगभग एक एक फीट बढ़ता है पौधा, देख लीजिए। अच्छा, इसको डालने के बाद में, डालने के बाद में, तो अब हमारे किसान भाइयों को ये बताइए, आपने बता तो दिया कि आप यूज करते हैं, अब जैसे आपका अलग अलग स्टेट में पौधा गया, कहीं हरियाणा गया, कहीं उत्तर प्रदेश में है, कहीं बलिया में है, मतलब बिहार में है, कहीं कहीं झारखंड में है, ऐसी जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे आपने एमपी में भी सेल किया है, तो आप थोड़ा सा किसान भाइयों को भी सजेस्ट करिए इसके लिए, क्योंकि अच्छा चीज़ें खिलाएं लोगों को। किसान भाई जो है इस खाद का यूज करें, और एक एकड़ में एक कुंटल खाद का यूज होता है, और 10 पैकेट से कम इसको मंगवा नहीं सकते हैं जी। और जिस कंपनी से हमने ख़रीदा है उसका जो है मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के लास्ट में रहेगा, उसको किसान भाई देख सकते हैं और मंगवा सकते हैं। अच्छा, एक बार कंपनी का नाम फिर से रिपीट करें, क्योंकि हमारे किसान भाई जो होते हैं, बहुत किसान ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए एक बार कंपनी का। न्यू लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, न्यू लीफ मीन्स नई पत्तियाँ, और नई पत्तियों के नाम से मतलब ये जाहिर सी बात है कि पौधे की ग्रोथ करेगा, उसके फल फूल में वृद्धि करेगा और स्वस्थ फल देगा, पौधे में रोग नहीं लगेगा। मतलब इसका प्रयोग जो है हमारे किसान भाई करें, और अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, और यूरिया डाई इसका, इसको छोड़ करके ऑर्गेनिक ये जो हम खाद बता रहे हैं, जो हमने किया है, जिसका मुझे अनुभव है, उसको करें जी। जैसे मैं बात कर लेता हूँ परवल की, आपके परवल आप कितने बीघे में रखें, ये भी थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को सजेस्ट करिए, कितना बीघे में आप परवल लगा रहे हैं। परवल हमारा जो है एक एकड़ में है 4 बीघा जी यहाँ पे, और दो तीन बीघा थोड़ा 10-20 किलोमीटर की दूर पे है, जगदीशपुर में हमारी दीदी का घर है वहाँ पे जी, तो वहाँ पे हम लगवाए हैं जी। अब जैसे एक मेरा प्रश्न रहेगा, जैसे हमारा कोई किसान भाई इसको पौधे के आसपास डालता है, तो क्या इसको डालने के बाद तुरंत पानी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जैसे किसान भाई डालेंगे, कोई भी खाद डालते हैं तो पानी लगाना ज़रूरी होता है, तो वैसे ये ऑर्गेनिक चीज़, ऑर्गेनिक खाद है, तो इसको भी अगर मतलब आसपास डालें तो 24 घंटे के अंदर पानी लगा दें जी। अब थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कैसे डालते हैं, वो थोड़ा सा डालते हुए जो है हमारे किसान भाइयों को दिखाइए। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं डाल के किसान भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर ये खाद का प्रयोग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं साथ में, जैसे कि आपको दिखाया भी जा रहा है लाइव प्रूफ के साथ में, ऐसा नहीं है कि ये झूठ बोल रहे हैं, और चीज़ों को जो है बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है इन्होंने, पौधे की ग्रोथ और क्वालिटी जो है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से है, और बहुत अच्छा सिस्टम के साथ में, जैसे देख सकते हैं आप ये पौधे के साइड में डाल रहे हैं, उसके साथ साथ जो है अब इसमें जो है पानी लगाना होगा। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं भाई साहब जो है प्रॉपर तरीके से डाल रहे हैं, अभी इनका नया पौधा भी है, वहाँ पर भी हम एक बार डला के जो है लाइव एक बार शूट करेंगे, इसमें जो है ये चीज़ें जो है फैक्ट होनी चाहिए, क्योंकि किसान भाई जो होते हैं वो यूरिया डाई का प्रयोग कम करें थोड़ा सा। इनका जो है ये नया पौधा है, अभी आप देख सकते हैं ग्रोथ जो है स्टार्टिंग पे है, तो हमने जनवरी फरवरी में लगाया था। आप देख सकते हैं साथ में ये डाल रहे हैं इसमें खाद का प्रयोग जो है, अच्छा गोबर की खाद का भी प्रयोग करते हैं। इसमें भी एक बार पड़ चुकी है, आप देख रहे हैं कि एक एक जगह, दिखाइए राहुल जी, एक एक जगह देखिए दो दो फल आ रहा है, एक एक जगह दो दो फल जी जी जी, ये एक दो तीन फल आ रहा है जी जी जी, नहीं काफी जबरदस्त तरीके से ग्रोथ हो रही है, और इसमें भी देखिए दो फल आ रहा है, देखिए तीन तीन फल आ रहे हैं जी जी जी।
और हर गांठों पे फल बन रहा है। देखिए नहीं, फल की क्वालिटी और प्रोडक्शन जी बहुत ही जबरदस्त है, तो बन रहा है इससे जी। और भी थोड़ा सा हमारे किसान भाई आगे डालते हुए लेके चलिए, दिखाते रहते हैं, थोड़ा सा और दिखा दें किसान भाइयों को। किसान भाई देख सकते हैं जैसा कि साथ में ये जो है खाद का प्रयोग करते हुए जा रहे हैं आगे, तो किसान भाइयों आप इसका प्रयोग करके जो है अपने आसपास जो भी सेलिंग करते हैं आप लोगों को अच्छी चीज़ें खिला सकते हैं, और प्रोडक्शन के मामले में और भी चीज़ों में काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी बेहतरीन है किसान भाइयों। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं परवल की पौधे में भी देख सकते हैं काफ़ी छोटा भी है, और ये हमें लगता है देसी वैरायटी का है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके है जिसे 3G कटिंग बोलते हैं तरीके, इसमें कटिंग भी हुई है किसान भाइयों, और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके का जो है रिस्पॉन्स है आप देख सकते हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से है और काफ़ी अच्छा सिस्टम है इसका। अब इसमें जो है डालने के बाद में भाई साहब इसमें पानी लगाएंगे क्या डालने के बाद? डालने के बाद जो है अब डलवा रहे हैं तो पानी तो लगाना पड़ेगा। अच्छा, पानी भी लगेगा इसमें। तो जैसा कि किसान भाइयों राज प्रकाश जी जो हैं इन्होंने पूरा लाइव प्रूफ के साथ डालते हुए दिखाया, अब भाई साहब जैसे आपने डाल दिया तो पानी कितनी देर बाद लगाएंगे इसमें? पानी इसमें जब भी डालें 24 घंटे के अंदर पानी लगाते हैं, 24 घंटे के अंदर जो है पानी लगा दें। तो जितनी आपने फसलें बताई है आप ने कि उसमें प्रयोग कर सकते हैं, उसमें हमारा कोई किसान भी है तो प्रयोग कर सकता है इसका? हाँ, केला हो गया, जितनी भी सब्जियाँ हैं उसमें प्रयोग कर सकता है, मिर्च है, बैगन है जी, सब चीज़ों में यूज कर सकते हैं इसको। तो राज प्रकाश जी आपने इस खाद के बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी, बताया आपने, आप खुद यूज कर रहे हैं लगभग 1-1.5 सालों से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी और हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उनकी तरफ से भी। हाँ, सभी किसान भाइयों को धन्यवाद, इस खाद को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें और रिजल्ट देखें। किसान भाइयों जैसा कि राज प्रकाश जी जो हैं परवल की खेती करते हैं काफ़ी लंबे समय से और इस खाद का प्रयोग करते हैं, और खाद जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, और मैं जैसे देख पा रहा हूँ लोग कहेंगे ये मिट्टी है, लेकिन ये मिट्टी नहीं, इसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, जो आप यूरिया डाई पोटास का प्रयोग करते हैं वो सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं, और ऑर्गेनिक तरीके से। हम बात करेंगे जो कुछ लोग यूरिया डाई का पोटास का प्रयोग करते हैं उसको कम करें और लोगों को अच्छी चीज़ें खिलाने का प्रयास करें, जैसे कि हमारे राज प्रकाश जी हैं इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, नई नई चीज़ें किसानों के लिए लेकर आते रहते हैं, और इनका पौधा जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से ग्रोथ कर रहा है इस खाद के माध्यम से। तो किसान भाइयों आप इस खाद को मंगवाने के लिए न्यू लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कंपनी में कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, यहाँ पर आप बात करके ये खाद मंगवा सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि 10 पैकेट से नीचे नहीं मंगवा सकते हैं, क्योंकि कोरियर के थ्रू किसान भाइयों आता है, तो आप 10 पैकेट मंगवाएंगे तो आप अपने यूज में लेते रहेंगे, क्योंकि बाद में अगर बार बार मंगवाते हैं आपको भी समस्या होगी और कंपनी को भी समस्या होगी, इसलिए इन्होंने ये बताया होगा। तो किसान भाइयों ये खाद का प्रयोग करिए और अपने खेती को टेक्निकल और बेहतर बनाएं। तो किसान भाइयों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई और अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।